आज हम बात करेंगे बरसों से चले आ रहे पश्चिमी देशों व वहाँ की मीडिया के मानसिक दिवालियेपन और उनके अंदर समाये हुए असुरक्षा के भाव की। शताब्दियों तक एशिया व अफ्रीका के देशों पर राज करने वाले यूरोप के कुछ देशों में डर के माहौल की वजह कभी आपने तलाश करके देखी है? ये डर उन देशों को लेकर है जो कभी इन यूरोपियन देशों के गुलाम थे। ये डर है एशियाई देशों से पिछड़ने का। ये डर है सच सामने आने का कि श्रेष्ठता में एशियाई देश पश्चिम से आगे हैं, लेकिन एशिया में भी एक विशेष देश से इन्हें डर ज़्यादा है, जिसके कारण उसे 70 साल से कई बार तबाह करने की साजिश भी हुई, परंतु ये नाकाम रहे और वो देश फिर भी आगे बढ़ता रहा। हम बात कर रहे हैं भारत की, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो साल 1860 से ही शुरू हो गया था और आज तक रुका नहीं। भारत के आज़ाद होने के बाद से ही ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5, सोवियत संघ की KGB व अमेरिका की CIA में भारत में पैर पसारने के लिए मानो होड़ सी मची हुई थी। इससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये देश क्यों भारत पर हर हाल में नियंत्रण करना चाहते थे। आज के समय में भी इंटरनेशनल मीडिया अपने एजेंडा सेट करता है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप होते हैं। सभी खबरें इन्हीं देशों पर केंद्रित होती हैं और ये मीडिया हाउस भी खुद ब खुद विश्व व्यवस्था तय करते हैं। भारत को हमेशा से ही इन मीडिया द्वारा पिछड़ा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री और अन्य अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। उनकी परेशानी ये है कि वे सहन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस देश पर उन्होंने कभी राज किया था वह उनसे आगे निकलने को कैसे बेताब है और लगभग निकल ही चुका है। ये देश कैसे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? कैसे यह देश 4थी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन गया? सिर्फ मीडिया ही नहीं, पश्चिमी देशों का भी इस मीडिया ने पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है। वे भारत की असली तस्वीर नहीं जानते हैं, इसलिए जहां भी मौका मिलता है वह भारत विरोधी और नस्लभेदी टिप्पणी जाकर करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन देश इटली के स्कूलों में एक विषय पढ़ाया जाता है। इसके अंदर भारत को एक जंगली, गंदा, असभ्य और ख़तरनाक देश प्रस्तुत किया जाता है। पश्चिम की ही एक न्यूज़ एजेंसी ने साल 2018 में भारत को मोस्ट डेंजरस कंट्री यानी सबसे खतरनाक देश कहकर प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार यहाँ अपराध विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। इसी की देखा देखी कई मीडिया हाउसेज ने भारत को महिलाओं के लिए सबसे खराब देश बताया था, जबकि सच्चाई इसके एकदम उलट है। अगर अफ्रीकी देशों को हटा दिया जाए तो प्रति 1 लाख लोगों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में क्या आप जानते हैं कि किस देश का नाम सबसे ऊपर है? वो देश है अमेरिका। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सारे देश भी भारत से काफ़ी ऊपर हैं। फिर भी सबके दिमाग में छाप रखा है कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस भारत में सबसे ज़्यादा हैं, और वहाँ की मीडिया आपकी सोच बदलने में कामयाब भी हो गई है। ऐसे ही YouTube का एक यूट्यूबर है PewDiePie, आप में से शायद काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे। उसने भारत के खिलाफ और भारत का मजाक उड़ाने वाली वीडियोज़ बनाई थी, और मज़े की बात तो यह थी कि वो जानता तक नहीं था कि विश्व के नक्शे पर भारत है कहाँ। अपनी उल्टी सीधी और फूहड़ कॉमेडी वीडियोस डालने वाले हमारे भारत के एक भी बड़े यूट्यूबर ने PewDiePie के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। कई हमारे यूट्यूबर्स तो ज़्यादा बुद्धिजीवी बने फिरते हैं, लेकिन एक भी बड़े यूट्यूबर ने उसका विरोध तक नहीं किया। फिर 2019 के चुनावों के दौरान भी पश्चिमी मीडिया का चूड़ियाँ तोड़ना जारी रहा। सारी पश्चिमी मीडिया के अनुसार मोदी 2019 का चुनाव हारने वाले थे, और वे कह रहे थे कि BJP की सीटें घटेंगी और उसे नुकसान होगा। उन्होंने कुछ ऐसा माहौल तैयार किया जैसे कि देश दो भागों में बंटने वाला है और सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं, जैसे भारत नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना ये भारत की 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता को दर्शाता है। चुनावों के नतीजे भी लगभग एक तरफा ही रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असलियत से इन मीडिया हाउसेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अंधा प्रचार ही इन्हें करना आता है बस। ऐसे ही कश्मीर पर 370 के हटने के फैसले के बाद इन मीडिया हाउसेस ने भारत पाक और तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा कर दी थी। ये नौसिखिए जैसा व्यवहार विश्व की बड़ी आबादी को भ्रमित करने के लिए काफ़ी है। ये बात अलग है कि इनकी खोखली भविष्यवाणियों व खबरों में सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और अब आते हैं 2020 पर, जब कोरोना का कहर विश्व भर में जारी है। इन मीडिया हाउसेस ने भारत को ऐसे कोसना शुरू किया जैसे वायरस भारत ने ही बनाया हो, और चीन को दामाद बनाकर रोज़ उसकी शान में कसीदे पढ़े जाते थे। ये मीडिया हाउस कहा करते थे कि भारत की मेडिकल व्यवस्था खस्ता है, भारत बर्बाद होने की कगार पर है, भारत में बड़े स्तर पर वायरस फैलेगा और करोड़ों मौतें होंगी। मज़े की बात तो यह है कि इन्होंने चीन को धन्यवाद दिया।
इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि यह वायरस चीन से फैला है, जिसने अपनी शानदार मेडिकल फैसिलिटीज़ के जरिए इस पर नियंत्रण कर लिया। अगर भारत से फैला होता तो करोड़ों लोग मारे जाते। अरे जाहिलों के सरदार, भारत से वायरस फैलेगा ही क्यों? और ऐसा कौन सा वायरस है जो भारत से फैला है? खुद को सभ्य बताने वाले ये पश्चिमी देश टीबी समेत अन्य कई वायरस हमारे देश में लेकर आए। अब धोने की जगह पहुंचने वाले लोग वायरस तो साथ में लेकर घूमेंगे ही। भारत के लोग या तो शाकाहारी हैं या मांस को पका कर खाते हैं, तो वायरस फैलेगा ही क्यों? कच्चा मांस खाने वाले और जिंदा जीवों को चबाने वाले चीनी ही वायरस को विश्व भर में फैलाने का काम करते हैं। अब तो वो समय भी आ चुका है जब भारत ने इन प्रोपेगेंडास को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है और चुप रहते हुए खुद में सुधार करता हुआ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देश डर के साए में जी रहे हैं। 25 सालों में भारत जो चोटी के 10 देशों में भी नहीं था, वह विश्व की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इन्हें डर है कि क्या होगा अगर भारत अपनी पूरी क्षमता से बढ़ता हुआ विश्व महाशक्ति बन गया। लेकिन इनके अंदर का डर और अहंकार ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि भारत के आर्थिक व सैन्य महाशक्ति बनते ही विश्व की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। इन्हें यही तस्वीर बदलने का डर है और इनकी फूहड़ व असभ्य संस्कृति, जो संस्कृति कहलाने के लायक ही नहीं है, उसे पूरा विश्व लात मार देगा। और करीब 150 साल बाद फिर विश्व व्यवस्था भारत केंद्रित होकर, भारत के ही इर्द गिर्द होकर रह जाएगी और पश्चिम को कोई नहीं पूछेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.